अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेरे बेडरूम को रिफ्रेश समर के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर ली है, कवर वगैरह मैंने लगा लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी क्लीनिंग भी कर ली है मैंने यहाँ पर, और जितना भी मेरा स्प्रिंग का डिकोर था वो भी मैंने निकाल दिया है, जो पहले मैंने किया था उसको भी मैंने अच्छे से निकाल के सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ डेकोर निकाल के रखा है। तो ये थोड़ा सा डेकोर है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे समर्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने निकाल के रखी हैं चीज़ें कुछ जो मैंने होम शॉपिंग की है, उसको हम यूज़ करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने बेडिंग भी सारी चेंज की है, तो वो हम पहले बेड को बना लेंगे, उसके बाद में हम सारा करेंगे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये पिंक कलर का कम्फर्टर, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रिंट वगैरह है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने वाइट कलर का डुबे कवर लगाया है अपने डुबे को, तो वो हम डाल देंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ कुशन्स है जो वाइट और पिंक में है, तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बेड बना लेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पर मैंने बेड को कुछ इस तरह से बनाया है। तो पहले मैंने वाइट कलर का डुबे यूज़ किया है, ताकि इसके साथ हम कोई भी कलर मिक्स और मैच कर सकते हैं। तो अक्सर मैं बेडिंग वाइट ही यूज़ करती हूँ, जिसके साथ मैं इजीली अपने कुशन कवर्स वगैरह यूज़ कर सकूँ और कलर को ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर ये जो कम्फर्टर है ये पिंक कलर में है, और इस बहुत ही खूबसूरत सा इस पर प्रिंट है, क्योंकि आज का प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप प्रिंट में डुबे कवर या फिर अपने कुशन कवर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये समर में प्रिंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने अपना कम्फर्टर इसके साथ लगा लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ लेयरिंग की है। तो वाइट मैंने डुबे कवर नीचे रखा है, और ऊपर मैंने एक फोल्ड के साथ अपने कम्फर्टर को लगाया। इस तरह से आप बेडिंग करें तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, काफ़ी लग्जेरियस लुक लगता है। इस तरह से आप दुबे लगाएं और इसके ऊपर कंफर्टर रखें, और या तो फिर आप इसके ऊपर एक थ्रो ब्लैंकेट को भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कुशन्स को। तो यहाँ पर मैंने अपने कुशन्स रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाइट कलर के कुशन्स लिए हैं, वाइट में ग्रे कलर के स्ट्रैप्स हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ दो पिंक कलर के कुशन यूज़ किया। बस इतना ही, अगर आप बेडिंग भी अगर चेंज कर दो तो आपके बेडरूम का लुक बिल्कुल से चेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मेरा बेड नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आपकी बेडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए, और अगर आप इसमें कलर ऐड कर सकें तो काफ़ी अच्छा लगता है समर्स के लिए या विंटर्स के लिए। मैंने काफ़ी वीडियो किया जिसमें समर और विंटर के बेडरूम के आइडियाज़ मैंने शेयर किया है, तो आप उसको भी देखें पिछले वीडियोस को, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे किस तरह से मैंने स्प्रिंग में किया था, विंटर में किया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम कुछ डेकोरेटिव पीसेस को ऐड करेंगे, जिससे हमारा बेडरूम का लुक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर मैंने एक वॉज लिया है, और उसी के साथ मैंने आर्टिफिशियल उसमें फ्लावर्स लगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है जो DIY है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उसमें मैं रख दूँगी एक कैंडल होल्डर, जिसमें मैं रख दूँगी अपने मेकअप ब्रशेस वगैरह। यहाँ पर मैंने एक कैंडी जार लिया, उसमें मैंने डाल दिया एक कॉटन पैड्स, उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रख कर देख रही थी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पहले मैंने ये कैंडल ऐड करके देखी थी कि किस तरह से लगेगा, तो मैं इस तरह से चीज़ों को ऐड करके देखती हूँ कि कौन सा लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर मेरे पास ये पिंक कलर का क्रिस्टल स्टोन रखा हुआ था, तो वो मैंने ऐड करके देखा है, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था, तो उसी को मैंने वापस रखा है। तो कुछ इस तरह से मेरे ड्रेसिंग टेबल लग रहा है। अब हम कर लेंगे यहाँ पर साइड टेबल्स पर थोड़ी सी चीज़ों को हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये वॉश रखी हुई थी, मैंने डस्टिंग की थी, हटा दिया था, तो वो हम वापस रख लेंगे। और इसी के साथ मैंने सिर्फ यहाँ पर एक कैंडल को यूज़ किया है, जो सेंटेड कैंडल है उसको ऐड किया। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोटो फ्रेम को चेंज किया है, जो मैंने पहले रखा था उसको निकाला था। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फ़ोटो फ्रेम रखा है, उसी के साथ हम एक कैंडल रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। तो
अब हम यहाँ पर ये टीवी यूनिट के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें रखी थी तो उसमें से सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं, जो जो भी मैंने यूज़ करने थे, और कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसको भी हम हटाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले चीज़ें उनको रख के देखूँगी कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो फ्रेम रखा है जिस पर लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम्स, तो मुझे लगा है कि बेडरूम के लिए काफ़ी अच्छा है तो वो मैंने इसमें लगा दिया है। ये प्रिंट्स मिलते हैं आपको तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मैंने एक्शन से लिया थे तो वो मैंने इसमें लगाया है। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने एक वॉज में ये पिंक कलर के पेनिस रखे हुए थे मेरे पास आर्टिफिशियल, तो मैंने वो इसमें रख लिया है। कुछ इतनी ही चीज़ों के साथ मेरा टीवी यूनिट का भी हो गया है कंप्लीट। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है, थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर तो यहाँ लास्ट में मैं यहाँ पर फ्लोर पे एक मेरे पास रग रखे हुआ था जो पिंक पर्पल कलर में है, तो वो मैं इस पर मैंने डाल दिया है। तो इसके साथ मैं शोर नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रिंट ज़्यादा हो गया है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ मेरा बेडरूम हो गया है रिफ्रेश फॉर समर। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है मेरा बेडरूम का जिस तरह से लुक आया है समर के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लाइट और ब्राइट कलर्स के साथ। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है, बिल्कुल थोड़े से चेंजेस के साथ बिल्कुल सिंपल सा डेकोर मैंने किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके भी बेडरूम के लिए या लिविंग रूम के लिए आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।